हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज के दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। मेरी एक क्लास हो चुकी है और मैं एकदम नहा धो के फ्रेश होकर आ चुका हूँ। तो अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है, तो चलो नीचे चलते हैं और ये भी देखेंगे कि यश और गोल्डी उठे हैं कि नहीं। यश तो उठ गया होगा, उसका तो ऑफलाइन स्कूल है बेचारे का। चलो गाइस, अब चलते हैं और देखते हैं। गोल्डी, तेरा कैसा गया आज का सेशन क्लास का? खत्म नहीं हुआ। अच्छा, अभी बची है क्लास? तो गाइज, मेरी तो दो क्लासेस बची है, मेरी ज़्यादा देर होती है। तो क्लासेस बची है बस, रुक जा बताने दे। सो गाइज, यहाँ पे ब्रेकफास्ट में हमारे पास पराठे, पनीर के पराठे, साथ में चटनी भी है ग्रीन वाली, तो वो मेरी फेवरेट है। तेरी गोल्डी? बिल्कुल, यश का बर्थडे तो यश के लिए केक लेने जाएंगे। हाँ, पूरी तीनों की फौज आ चुकी है। और कौन से फ्लेवर का केक लेगा? देख लेंगे वहीं पे। अच्छा, तो डिसाइड वहीं पे जाके करेंगे और कल यश के स्पेशल बर्थ देख लेंगे, अच्छे से केक लेंगे। हाँ। चलो गाइस, अभी हम आए हैं एवन बेकर्स यश के बर्थडे का केक लेने के लिए। तो चलो चलते हैं। गोल्डी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहता है क्योंकि इसे कुछ ना कुछ खरीदना होता है, चिप्स कुछ ऐसे टाइप की चटपटी चीज़ें, तो सबसे आगे यही भागता है। तो यहाँ पे यश एक मॉडर्न तरीके से केक चूज कर रहा है अपना। तो गोल्डी, अच्छा तरीका है ना? हाँ। यहाँ रिमोट से वो बदल रहा है स्लाइड्स और केक देख रहा है। तरीका सही है वैसे। हाँ। हम भी ऐसे कर सकते हैं जब बर्थडे में। हाँ। तो आने वाला है, मेरा भी आने वाला है। तो अभी देखते हैं यश कौन सा केक चूज करता है। मम्मी की हेल्प से चूज कर रहा है। सो गाइस, यहाँ पे यश डिसाइड नहीं कर पा रहा है केक अपना। कुछ हुआ डिसाइड? गाइस, अभी गोल्डी और मैं आ रखे हैं पार्क में। तो गोल्डी जी को पार्क में आना कैसा लगता है? मजा आ जाता है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो खुले एरिया में खेल रहे हो, मजा आ जाता है भैया। हाँ, ये तो होता ही है। और आप देख सकते हो यहाँ पे घास कटी हुई है, वो भी आपको रीजन तो शायद से पता होगा कि कोबरा से बचने के लिए। और पीछे से हस्की आ रहा है यहाँ पे, इसका नाम ड्यूक है। तो आप देख सकते हो गोल्डी और मैं ऐसे दौड़े उसे देखते। और हाँ गाइज, हम ये डिस्कस कर रहे थे कोबरा से बचने के लिए, क्योंकि कोबरा कहीं हो सकता है लंबी घास में, क्यों गोल्डी? हाँ, चलो कोबरा बंडल पहन के आया होगा। अबे डरा था, अजीब सी बातें करता है और अपना कलर भी चेंज करता होगा। वो अलग ही है। चल झूला झूल ले, वहाँ पे एक झूला खा लिए। अभी वैसे मेरा आधा ही होमवर्क हुआ है, तो हम घर चले, मैं अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लूँगा, हम फिर से आ जाएंगे। हाँ। और तेरे को अभी दो बच्चे मिले थे, तेरा नाम पूछ रहे थे। हाँ। गोल्डी के अच्छे फ्रेंड बन गए थे वो। चलो गोल्डी का कोई तो फ्रेंड बना। तो गाइस, अभी रात के लिए कट रहा है सीताफल, बोलते हुए बात होना आ रहा है बट कुछ नहीं होता। सीताफल तो टेस्टी होता है भैया। तेरे को टेस्टी लगता है? हाँ। ये कब हो गया? आज सुबह खाया, गोल्डी ने खाया था सुबह और गोल्डी को बहुत अच्छा लगा, पहली बार खाया। चलो मैगी जब मेरे को दोगे तब गोल्डी को सीताफल। हाँ, बहुत टेस्टी। नहीं नहीं, तू भी ट्राई करना ना। नहीं नहीं, मैगी से अच्छा होता सीताफल कुछ भी। हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना गाइस, कौन सीताफल लवर है, कौन मैगी लवर है। अब तू अगली बार देखो गाइस, सब ब्लॉग में याद रखना, अगर गोल्डी ने अगली बार मैगी खाई फिर बताएंगे। हाँ, दोनों खा लूंगा, सीताफल और मैगी। नहीं, एक ही चीज खानी है, अब तूने बोल दिया। हाँ ठीक है, खा लूंगा सीताफल। हाँ देखते हैं। चलो गाइस, यहाँ पे नानी काट रही है रात के लिए पहाड़ी सीताफल। सबसे बेस्ट बात है, पहाड़ी है ये, बट मैं खाता नहीं हूँ पर बेस्ट बात है। सो गाइस, अभी गोल्डी और मैं गए थे दुकान पे, वहाँ से लेके आए अभी आइसक्रीम। तो चलो, अब आइसक्रीम पेट में डालने का टाइम आ चुका है। चलो गाइस, तो गाइस अभी आइसक्रीम निकाल लेते हैं पहले।
तो यहाँ पे आइसक्रीम दो यहाँ पे रखी है ऊपर एक है। चलो अब तो यश भी आ चुका है, अब उसके लिए भी निकाल लेते हैं। आते ही फ्री फायर खेलने लग गए हैं। तो चलो अभी यहाँ पे ये ले आज तेरी आइसक्रीम। थैंक यू, वेलकम गोल्डी, तू भी ले ले आइसक्रीम। चलो गाइस मैं खा लेता हूँ अपनी आइसक्रीम यहाँ पे बैठ के, मेरे को तो कोई काम नहीं है, सारा होमवर्क अभी खत्म करके आया हूँ। तेरे को पता भी है गोल्डी, मैं अभी तो करा अपना होमवर्क, इसको तो गाइस बस एक पेज लिखना होता है, उसमें एक पेज सुबह से पढ़ा रही है मम्मी। हाँ यही होता तेरा। चलो गाइस कुछ नहीं होता, बच्चा है अभी सेकंड क्लास में। चलो मैंने यहाँ पे अपने 5-6 पेज कंप्लीट कर लिए हैं 3 घंटे में, वो भी सारे खुद करने थे मेरे को क्वेश्चन आते। तो गाइस अपनी आइसक्रीम खा लेते हैं। सो गाइस अभी डिनर टाइम हो चुका है और सब लोग मिलके डिनर कर रहे हैं। भैया ये देखो, ये हाँ सीधा पर लास्ट तो खा के दिखाई दिया गोल्डी ने, मान गया गोल्डी को। तो यहाँ पे यश भी बैठा है डिनर कर रहा है, कैसा हो रहा है? अच्छा। तो आज यश का बर्थडे बस कुछ ही घंटों में आने वाला है, तो इसी खुशी में यश छोले खा रहे हैं यहाँ पे, एक तरफ छोले एक तरफ सीधा फल, क्या कॉम्बिनेशन है। चलो गाइस अब मेरा डिनर भी बस आता ही होगा, और आता क्या होगा, आ ही गया। चलो गाइस मैं भी स्टार्ट करता हूँ डिनर, मैं सीधा फल तो नहीं खाता, तो चलो खाली छोले और रोटी से स्टार्ट करते हैं। आप तो खाते ही होगे ना नानी जी सीधा फल? यस। आज तो नानी जी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। सो गाइस अब शाउट आउट दे देते हैं, तो आज का शाउट आउट जाता है मृगंका देका को। सो ऐसे ही कमेंट करते रहिए और बस मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, और अच्छे भी लगते हैं आपके कमेंट देखने से। हाँ, और आपको आज शाउट आउट दे दिया, आप लिख रहे थे हमें शाउट आउट नहीं मिल रहा, तो दे दिया। और डेकोरेशन भी सही चल रही है, रुको असली वाली दिखाता हूँ, ये ऐसी कुछ चल रही है, फुल नहीं दिखाऊंगा आपको। थैंक यू सो मच, अब ब्लॉग को एंड कर दे गोल्डी। होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। आज तो गोल्डी मजा आ जाएगा, मैं तो दिन में भी लूंगा ग्रीन वाली चटनी, तो मैं भी, मेरी तो बहुत ही ज्यादा ही फेवरेट है। कुछ इसके लिए वो टेस्ट होता है ना मिर्च वाला, वो मेरे को पसंद है। मिर्च नानी कह रही है डालिए बहुत, पर वो ही नहीं रही है। सो गाइस कल यश का बर्थडे, चुप रहे यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे देख के लज्जा ही आ रहे हैं, खुद को भी लज्जा है मेरे को। ये दोनों पिज्जा की बातें कर रहे हैं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है।